अभी मैं सो के उठा, ये सुबह का सीन है, आज थोड़ी ओस पड़ रही है, तो अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ और जरा इस बंदे को देखो, गौर से देखो ये सगा कैसा इसने अपना वेशभूषा बना रखा है। तो ये सो ये भाई गांव में तो ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि यहाँ खेत में पानी लगाना है और सारे काम है, शहर तो है नहीं भाई कि आराम से सो उठे उसके बाद ऑफिस चले गए फिर घर आ गए, यहाँ बिना काम नहीं किए तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ ऐसा सीन होता है। सो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ कुछ एक बड़ा ही अनोखी बड़ी अनोखी चीज़ हुई है, तो चल के दिखाते हैं। मैं पहले नहीं बताने वाला हूँ, जब मैं पहुँच जाऊँगा तब बताऊँगा कि ऐसा क्या है क्या हुआ है। तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, आगे फिर दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड मैं अब आ चुका हूँ आगे, तो बस यहाँ से थोड़ी दूर बचा है। दरअसल में इस कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि हमारे यहाँ एक ये जो रोड है आप देखिए ये वाला, इसी रोड के थोड़ा सा आगे चल के जाओगे तो यहाँ पर एक रोड के जस्ट साइड में एक सांप निकला है जो कि वहीं रहता है। तो यहाँ गांव के लोगों को रोज़ दिखता था, तो लोगों ने यहाँ मंदिर बना डाला और काफ़ी भीड़ भी लगती है रोज़, यहाँ भंडारे वंडारे चलने। भाई गांव तो छोटा सा ही, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, और बांस वांस बांध के रखे हैं। और वहीं अरे दिखाते हैं आपको ज़रा, आप देखिए भला कैसा है, आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। चलिए फिर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ वहाँ का कुछ आगे का सीन। फ्रेंड फाइनली हम फिर से आ चुके हैं यहीं पर, तो आपको दिखाएं पीछे ये कुछ यहाँ का सीन है। चलिए आज फिर से हम देखते हैं जरा कि यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि उस दिन आए थे तो सुबह सुबह कुछ नहीं हुआ था, तो आज हम फिर से दूसरे दिन आ चुके हैं। ये देखिए हम दुकान वकान लगती है, ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, डाल रखे हैं मेज वेज। तो भाई जरा दिखाते हैं आपको कि है कुछ ऐसा। चलिए ये है मंदिर, यहाँ पर जो बना रखे हैं ये शिव जी की मूर्त रखी है और वो कुछ सीन ऐसा है। चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। अब फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो सीन है यहाँ पर, ये शिव जी की मूर्त रखी गई है और ये देखिए इस पे रहते हैं जो यहाँ के नागदेव हैं, वो इसी में रहते हैं। तो अभी वो फाइनली बाहर है नहीं, मैं आपको दिखाऊँ ये कुछ यहाँ का ऐसा सीन बनाया गया है, ये छंडी वंडी लगी हुई है, ये फाइनली सीन है। तो चलिए हम अब आपसे फिर बात करते। फ्रेंड आपने देख लिया कि यहाँ का क्या सीन था, चलिए जरा आगे दिखते हैं फिर। तो यहाँ ये कुछ मंदिर सा है और एक सर्प निकला है। फाइनली मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है कैसा क्या सीन है कुछ, बट एक चीज़ जरूर मेरे समझ में आती है कि अरे ऐसा होता है कि नहीं, कुछ मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना तो मैं कंफर्म जानता हूँ कि हाँ यहाँ कि कोई सर्प रहता है, उतना पता, वो बाहर भी आता है निकल के, तो मैं भी देखा है। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारे सपनों में थे, हमसे ये कह रहे थे वो कह रहे थे, बट जिससे पूछो सब लोग अपना अपना ही कुछ विचार बताते हैं। तो फाइनली मेरे समझ में ये नहीं आया है। सो फाइनली कुछ ऐसे यहाँ का सीन है, बट आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं है क्या सीन है। लेकिन मैं जब पहले आया था यहाँ किसी को पता नहीं था, मुझे सर्प दिखा था एक दो दिन, तो मैंने सोचा ऐसे रहता होगा, बट यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मेरे सपने में आए थे बाबा जी, हमसे ये कह गए वो कह गए, तो साफ आप करके कुछ मूर्त रख दी है, भंडारे वंडारे करवाते हैं, पता लगा कि भाई यहाँ सोमवार है तो यहाँ मेला भी लगने वाला है। लेकिन भाई मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ दोबारा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर, और ये देखिए अब मेरे हाथ में चोट भी लग चुकी है, मैं गर्म पट्टी बांध रखी है मैंने, तो इसीलिए थोड़ा फ़ोन भी पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम सी हो रही है।
फाइनली कुछ लोग कहते हैं ऐसा, और मैंने एक दिन यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए सुना कि कह रहे थे कि यार इतने रुपए चढ़े, वो लेके चले गए वहाँ जाके, ये कर रहे थे गलत, वो कर रहे थे। तो फाइनली ये मेरे को समझ में आया नहीं। तो फाइनली आप लोग बताइए मैं कमेंट करके कि यहाँ कुछ कुछ लोगों ने ऐसा मतलब बना रखा है कि किसी ने कुछ करवाया है। फाइनली ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा होता है या नहीं, या फाइनली बस कुछ पैसे कमाने का काम चल रहा है भैया। तो भैया यही एक छोटा सा ब्लॉग था, अगर मैं यहाँ दोबारा इधर से निकलता हूँ, अगर मुझे बाहर मिलते हैं तो मैं ज़रूर कवर करूँगा, नहीं तो बस। दिखाई दिया आखिर मैं यहीं पे था ही और बाहर आ गए, तो आपने भी देख लिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, रियल में है यहाँ पर, बाहर भी निकल के आ गए हैं, अभी भी बाहर ही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखो वहाँ कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पर, तो वहीं पर अभी भी आप कहें तो फिर से चल के दिखाते, बट फ्रंट कैमरा कुछ वैसा सीन बनता नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी है, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम सी आ रही है। तो भाई फाइनली बस यही एक छोटा सा इतना ब्लॉग था, अगर भाई अब तो बाबा जी ने दर्शन भी देते तो भाई सब्सक्राइब करना ही बनता है, तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँगा, फिर बाय बाय। और हाँ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो शेयर तो जम के करना है। दुकान पर लागू वीडियो बना करके भेज दो फिर।